हे गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के एक नए आर्ट ब्लॉग में। और मैं अभी जमशेदपुर के साक्षी में स्थित द बेंगाल क्लब में उपस्थित हूँ, जहाँ पर 4 दिवसीय आर्ट एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज करवाया गया है जमशेदपुर कलर्स के द्वारा। और इस एग्जीबिशन में मेरे को भी अपने पेंटिंग्स को एग्जीबिट करने का मौका मिला, तो अभी हम लोग गैलरी में एंट्री करेंगे। इस वर्ष का पहला आर्ट एग्जीबिशन जमशेदपुर शहर के सीनियर चित्रकार अनुपम पाल मानिक साहब एवं युवा चित्रकार सोमा बनर्जी, पूर्णिमा पाठक, सौरभ सिन्हा एवं प्रहलाद माझी के साथ यह एग्जीबिशन करने का मौका मिला। इस एग्जीबिशन का नाम मेलोडी ऑफ कलर्स रखा गया है और इस एग्जीबिशन को जमशेदपुर कलर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया है। सभी चित्रकार अपने मन के भावनाओं को एवं अपने कल्पनाओं को कैनवस पर लोगों के सामने पेंटिंग्स के माध्यम से रखते हैं। वो अपने पेंटिंग्स को एक अलग फॉर्म में बनाते हैं। सभी चित्रकारों का आर्ट स्टाइल अलग अलग होता है। इस चित्र को शहर के युवा कलाकार सौरभ सिन्हा ने चित्रित किया है और वे ज़्यादातर हिंदू देवी देवताओं के पेंटिंग्स बनाते हैं अपने अलग यूनिक स्टाइल के साथ। यह पेंटिंग शहर के सीनियर चित्रकार मानिक साव का है, जिनका स्टाइल कंटेम्प्रेरी है और उनका एक ये अलग आर्ट फॉर्म है। इस पेंटिंग को भी चित्रकार सौरभ सिन्हा ने चित्रित किया है। यह पेंटिंग सोमा बनर्जी का है और उनका आर्ट फॉर्म भी एब्स्ट्रैक्ट है। यह पेंटिंग मेरी है और मैं ज़्यादातर भारतीय संस्कृति एवं भारतीय इतिहास के ऊपर अपने पेंटिंग्स को बनाता हूँ। मेरा आर्ट फॉर्म रियलिज्म है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पेंटिंग्स में रियलिज्म के साथ साथ अपना एक यूनिक स्टाइल प्रस्तुत करूँ। यह चित्र शहर के मशहूर चित्रकार एवं सीनियर चित्रकार अनुपम पाल का है। ये पेंटिंग्स भी कंटेम्प्रेरी स्टाइल में बनी है और इनका एक अलग आर्ट स्टाइल बन चुका है पूरे शहर में ही नहीं, पूरे देश में। ये अपने पेंटिंग्स में देख सकते हैं, ये आँखों को नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि बिना आँखों के भी लोग सपने देख सकते हैं। ये पेंटिंग भी मानिक साव की है और मानिक साव एक अच्छे चित्रकार के साथ साथ एक अच्छे शिक्षक भी है। यह पेंटिंग पूर्णिमा पाठक का है और वे अपने कैनवस पर ज़्यादातर गणेश जी एवं बुद्धा का पेंटिंग बनाते हैं बहुत ही सुंदर रंगों का उपयोग करके। यह पेंटिंग शहर के युवा चित्रकार प्रहलाद माझी का है और वे अपने पेंटिंग्स के माध्यम से संथाली संस्कृति एवं संथाली रहन सहन को प्रस्तुत करते हैं। आई होप आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए आर्ट वीडियो के साथ।